1947, 1965 और 1971 की जंग के बावजूद पाकिस्तान के नापाक इरादे ठंडे नहीं पड़े। 1999 में एक बार फिर से पाकिस्तान ने भारत पर बड़े गुपचुप अंदाज में हमले की एक साजिश रच दी। ये जंग करगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर लड़ी गई। आज भले ही इस जंग को 25 बरस बीत चुके हों, लेकिन इसके शुरू होने की कहानी बेहद दिलचस्प है। करगिल जंग की शुरुआत तब हुई थी जब पाकिस्तानी सैनिकों ने घुसपैठ करके हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों पर ठिकाना बना लिया। अप्रैल का महीना बीतने तक भारत को पाकिस्तान के इस नापाक मंसूबों की भनक तक नहीं लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन दिनों ये रिवायत थी कि सर्दी के मौसम में दोनों ओर की सेनाएं सियाचिन का इलाका छोड़कर अपने अपने बेस कैंप लौट आएंगी। भारतीय सैनिक तो अपने बेस कैंप लौट चुके थे, लेकिन पाकिस्तानी सैनिक सियाचिन की चोटियों पर बंकर बनाकर हथियार और रसद लगातार इकट्ठे कर रहे थे। 3 मई 1999 पाकिस्तान की 6 नदर्न लाइट इन्फेंट्री का कैप्टन इफ्तिकार और लांस हवलदार अब्दुल हकीम 12 सैनिकों के साथ करगिल की आजम चौकी पर बैठे हुए थे। इन लोगों ने देखा कि भारतीय चरवाहे उस पहाड़ी के पास अपने मवेशी चरा रहे थे। पाकिस्तानी सैनिकों ने आपस में सलाह की, क्या इन चरवाहों को बंदी बना लिया जाए। किसी सैनिक ने कहा कि अगर चरवाहों को बंदी बनाया गया तो वो उनका राशन खा जाएंगे, राशन इतना नहीं है कि चरवाहों में बांटा जाए। इसीलिए पाकिस्तानी सैनिकों ने चरवाहों को वापस जाने के लिए कह दिया। इन चरवाहों ने पहाड़ी पर बने बंकर्स में छिपे सैनिकों को देख लिया। करीब 1.5 घंटे बाद ये चरवाहे भारतीय सेना के 6-7 जवानों के साथ उस जगह वापस लौटे जहां पाकिस्तानी सैनिकों के बंकर्स थे। भारतीय सैनिकों ने अपनी दूरबीन से पूरे इलाके का मुआयना किया और वापस चले गए। दोपहर को फिर जवान हेलीकॉप्टर पर सवार होकर इलाके का मुआयना करने पहुंचे। जवानों ने देखा कि बंकर में पाकिस्तानी सैनिक छिपे हुए हैं। वापस लौटकर अपने अधिकारियों को पाकिस्तानी बंकर्स की जानकारी दी गई। इसके बाद भारतीय सेना के बड़े अफसरों को यह मालूम चल गया था कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ हो चुकी है, लेकिन यह घुसपैठ कितनी बड़ी तादाद में है इसकी पक्की जानकारी किसी के पास नहीं थी, और इसीलिए अधिकारियों ने मामले को अपने स्तर पर सुलझाना उचित समझा। इसके चलते कई दिन तक घुसपैठ की खबर सेना के बड़े अफसरों और सरकार तक नहीं पहुंची। तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल वीपी मलिक पोलैंड और चेक रिपब्लिक दौरे पर थे। वहां उन्हें पाकिस्तानी सैनिकों के घुसपैठ की खबर भारतीय राजदूत से मिलती है, ना कि सेना के बड़े अधिकारियों से। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि खुफिया एजेंसियां आखिर कैसे फेल हो गई। उन्हें पाकिस्तान के इतने बड़े ऑपरेशन की भनक आखिर क्यों नहीं लगी। केंद्र सरकार इस सवाल का जवाब ढूंढ रही थी कि लाहौर शिखर सम्मेलन के बावजूद पाकिस्तानी सैनिकों की इस घुसपैठ का आखिर मकसद क्या था। इस सवाल का जवाब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देती है। रिपोर्ट कहती है 1999 में पाकिस्तानी सैनिक को इस मकसद से भेजा गया था कि वो सियाचिन ग्लेशियर की लाइफलाइन कहे जाने वाले नेशनल हाईवे 1D को किसी तरह काट दे। अगर NH-1 पर पाकिस्तान का नियंत्रण हो जाएगा तो लद्दाख को मिलने वाली रसद और सैन्य आपूर्ति रोकी जा सकती है, और इसी तरह भारत को मजबूरन सियाचिन छोड़ना पड़ेगा। दरअसल 1999 की घुसपैठ के पीछे परवेज मुशर्रफ मास्टरमाइंड थे। वो बदला लेना चाहते थे सियाचिन में मिली उस हार का जो उन्हें 1984 में मिली थी। उस वक्त मुशर्रफ पाकिस्तानी सेना के कमांडो फोर्स में मेजर थे। इस दौरान उन्होंने कई मर्तबा सियाचिन का इलाका खाली करवाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। 1998 में जब पाकिस्तानी सेना की कमान मुशर्रफ के हाथ में आई तो उस हार का बदला लेने की योजना उन्होंने बना डाली। भारतीय नेतृत्व को जब पाकिस्तान के नापाक इरादों और उनकी साजिश का मालूम चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। पाकिस्तानी फोर्स बकायदा करगिल की पहाड़ियों में बंकर्स बना चुकी थी। इन बंकर्स में भारी मात्रा में रसद, गोला बारूद और सैनिक मौजूद थे जो 1 से 2 महीने जंग लड़ने के लिए पर्याप्त थे। इधर भारतीय सैनिकों के पास जंग लड़ने की कोई तैयारी नहीं थी। रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस भी रूस की यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन जब उन्हें यह खबर मिली तो उन्होंने दौरा रद्द कर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। तब तक वीपी मलिक भी भारत लौट चुके थे। सैन्य अधिकारियों ने उन्हें पाकिस्तानी सैनिकों की पोजीशन और बंकर्स की जानकारी दी। भारत ने जितना आंका था हालात उससे कहीं और ज्यादा खराब थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नवाज शरीफ को फोन मिलाया और कहा कि आपने हमारे साथ बड़ा बुरा सलूक किया है। एक तरफ आप लोग लाहौर में मुझसे गले मिल रहे थे तो दूसरी तरफ आपके लोग करगिल की पहाड़ियों पर कब्जा कर रहे थे। इस पर नवाज शरीफ ने वाजपेयी जी से कहा कि मुझे इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, मैं परवेज मुशर्रफ से बात करके आपको वापस फोन मिलाता हूं। तभी वाजपेयी जी ने कहा, आप
एक साहब से बात करें जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं। इतना कहकर वाजपेयी जी ने फोन अभिनेता दिलीप कुमार को पकड़ा दिया। नवाज शरीफ ने जैसे ही दिलीप कुमार की आवाज सुनी तो वो सकते में आ चुके थे। दिलीप कुमार ने कहा कि मियां साहब, हमें आपसे इसकी उम्मीद तो नहीं थी क्योंकि आपने हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच अमन की बात की है। मैं आपको बता दूं कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है, भारतीय मुसलमान बुरी तरीके से असुरक्षित महसूस करने लगते हैं और उनके लिए अपने देश से बाहर निकलना भी मुहाल हो जाता है। वाजपेयी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही नवाज शरीफ हैं जो 3 महीने पहले लाहौर में गले मिल रहे थे, वो पीठ पर छुरा कैसे भोंक सकते हैं। दरअसल 20 फरवरी 1999 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर शिखर सम्मेलन में शामिल होने पाकिस्तान गए थे। इस दौरान नवाज शरीफ ने उनकी खूब खातिरदारी की। 21 फरवरी 1999 को दोनों प्रधानमंत्रियों ने लाहौर घोषणा पत्र पर दस्तखत किए। इस समझौते के तहत दोनों मुल्कों ने अमन और चैन बनाए रखने की कस्में खाई। साथ ही कश्मीर से लेकर परमाणु बम के इस्तेमाल तक तमाम मसलों पर भी आम सहमति बनी थी। लेकिन वाजपेयी ये नहीं भांप सके कि उनकी पीठ पीछे भारत को तोड़ने की साजिश चल रही है। 5 मई 1999 को भारतीय सेना की एक टुकड़ी घुसपैठ का पता लगाने रवाना हुई, लेकिन पहले से घात लगाए पाकिस्तानी सैनिकों ने उन पर हमला बोल दिया। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए। इस शहादत के बाद करगिल जंग का आगाज हुआ। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान की गद्दारी का मुंहतोड़ जवाब देंगे। इस तरह सेना ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। करगिल की लड़ाई तकरीबन 100 किलोमीटर के दायरे में लड़ी गई, जहां पाकिस्तान के 5000 से ज्यादा सैनिक मौजूद थे। इनको मार गिराने में भारतीय सैनिकों को 84 दिन लगे। इसमें सबसे अहम पड़ाव था टाइगर हिल पर वापस कब्जा पाना। 8 जुलाई को भारतीय जवानों ने टाइगर हिल फतह कर ली और तिरंगा लहरा दिया। इसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों का हौसला पस्त हो गया। पाकिस्तान यूएन की शरण में पहुंचा और लड़ाई रुकवाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। इधर भारतीय सैनिकों ने बचे खुचे पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। पाकिस्तानी हुकूमत ने अपने जवानों के पार्थिव शरीर तक वापस नहीं मांगे। भारतीय जवानों ने युद्ध परंपरा का निर्वाह करते हुए पाकिस्तानी सैनिकों का अंतिम संस्कार किया। उन्हें वहीं करगिल की पहाड़ियों में ही दफना दिया गया। इस पूरे ऑपरेशन में 2700 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि 750 से ज्यादा जंग छोड़कर भाग गए। 26 जुलाई 1999 को जंग के खात्मे का ऐलान हुआ, लेकिन तब तक भारत के 527 बहादुर जाबाज शहीद हो चुके थे। वहीं 1363 जवान घायल भी हो गए। करगिल जंग के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते काफी खराब हो चुके थे। हालांकि बीच में कई कोशिशें हुई ताकि दोनों देशों के रिश्ते पटरी पर वापस लौट आए, लेकिन पाकिस्तान की पीठ में छुरा भोंकने वाली फितरत कभी नहीं बदलती, जिसके चलते दोनों देशों के संबंधों में आज भी तलखी बनी हुई है।